हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल चैनल पर। गाइज, आज हम बात कर लेते हैं शॉर्ट्स वीडियो के बारे में कि शॉर्ट्स वीडियो के बेनिफिट क्या है और शॉर्ट्स वीडियो से हमें क्या लॉस होने वाला है। क्लियर, आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं या आप चैनल ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, स्पेशली इस वीडियो को पूरा देखना। इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपको एक तरीका भी मालूम होगा कि किस तरह से आप अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं, किस तरह से अपने वीडियो पर व्यूज ला सकते हैं, किस तरह से आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट्स वीडियो का कि शॉर्ट्स वीडियो में क्या बेनिफिट मिलता है। जब हम शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि हमको नंबर ऑफ व्यूज़ बहुत मिलते हैं, सब्सक्राइबर हमें अच्छे खासे गेन हो जाते हैं। लेकिन शॉर्ट्स वीडियो में अर्निंग कितनी होती है विदाउट मोनिटाइजेशन, इसमें अर्निंग भी हो जाती है। अगर आपके व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं तो आपको अर्निंग भी हो जाती है, लेकिन इसमें अर्निंग की जो क्राइटेरिया है काफ़ी लंबा है, यानी 2 लाख 2.5 लाख अगर व्यूज़ आते हैं तो उस पर आपके कितने डॉलर बनते हैं, तो उस पर सिर्फ आपके 1 डॉलर बनते हैं। एक तो ये चीज़ है, शॉर्ट वीडियो में ये होता है कि नॉर्मली आदमी देखता है आपके वीडियो को, स्क्रॉल करता चला जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से शॉर्ट्स वीडियो आपके सामने आते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपने देखा है ये नहीं अच्छा लगा और इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। शॉर्ट्स वीडियो में आपके सब्सक्राइबर तो इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, उसी चैनल पर लॉन्ग वीडियो आप डालते हैं, तो आपके व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि जो आपके सब्सक्राइबर जो होते हैं वो शॉर्ट्स वीडियो ही को आपके देखते हैं। जब आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो वो इरिटेट होने लगते हैं, उसको स्क्रॉल कर जाते हैं, तो यहाँ पे फिर आप लॉन्ग वीडियो की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप सिर्फ पूरा फोकस किस पर करते हैं, शॉर्ट्स वीडियो पर करते हैं। तो गाइस, शॉर्ट्स वीडियो के बेनिफिट भी हैं और शॉर्ट वीडियो के ये लॉस भी है। अच्छा, एक चीज़ का और नुकसान होता है कि शॉर्ट्स वीडियो में आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। कि जब मैं स्पॉन्सरशिप वालों से बात की गई और उसके बारे में पता चला कि आप शॉर्ट्स वीडियो वालों को स्पॉन्सरशिप देते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शॉर्ट्स वीडियो का अभी स्पॉन्सरशिप के बारे में कोई भी प्लान नहीं, और फ्यूचर में भी अभी कोई प्लान नहीं कि उनको दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो 1 मिनट का वीडियो होता है, उसमें ज़्यादातर तो लोग स्क्रॉल कर जाते हैं। मान लिया आपने देखा ये वीडियो पसंद आया, आपने स्क्रॉल कर दिया, तो इस वजह से उस पर स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाता है। लॉन्ग वीडियो में ये बेनिफिट होता है कि जब आप अपने कंटेंट को अच्छा बनाते हैं, 4 से 5 मिनट का वीडियो बनाते हैं, तो उसमें कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, आप अपने बारे में लोगों को ज़्यादा बता सकते हैं, आप अपने बारे में समझा सकते हैं, लोग आपको जानते हैं, जो शॉर्ट्स वीडियो में नहीं हो पाता है। तो लॉन्ग वीडियो का बेनिफिट होता है कि लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं और आपको फेम भी ज़्यादा मिलता है, आप फेमस भी ज़्यादा होते हैं, लोगों के बीच में आप जाने जाते हैं। तो लॉन्ग वीडियो हमें ज़रूर बनाना चाहिए, लॉन्ग वीडियो से आप अर्निंग उससे कई गुना करते हैं, स्पॉन्सरशिप के थ्रू करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू करते हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू करते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। तो लॉन्ग वीडियो हमें ज़रूर बनाना चाहिए और 2022 स्टार्ट हो चुका है। जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को क्रिएट नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर क्रिएट करें और उसमें अच्छे अच्छे कंटेंट डालिए और मेहनत करते रहिए रेगुलरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपका वीडियो ज़रूर वायरल होगा, आपका चैनल ज़रूर मोनिटाइज होगा और आपको अर्निंग भी काफ़ी अच्छी होगी। तो लॉन्ग वीडियो बनाइए, अपना चैनल क्रिएट करिए। जैसा कि मैंने कहा कि जब आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। बस इसमें आपका डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी ये बहुत ही मैटर करता है। अगर ये सारी चीज़ें आप अगर मेंटेन कर लेते हैं, अपने टाइम शेड्यूल को मेंटेन कर लेते हैं, तो ईजली आप सारी चीज़ें कर लेंगे। तो दोस्तों, ये काम आपको करना है। तो शॉर्ट का भी आपने बेनिफिट और उसका लॉस भी समझ लिया कि शॉर्ट्स में हमें व्यूज़ तो ज़्यादा मिलते हैं, सब्सक्राइबर तो हम ज़्यादा गेन कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा अर्निंग के चांसेस नहीं है। हाँ, वायरल हो सकते हैं, लोग देखेंगे, अगर हमारा कंटेंट अच्छा है तो लोग देखेंगे, लेकिन वो फेम हमें नहीं मिल पाएगा। तो लॉन्ग वीडियो में हमें कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, हम अपने बारे में ज़्यादा बता पाते हैं, तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और जो स्पॉन्सरशिप वाले होते हैं, जो आपको देखते हैं, तो वो देखते हैं कि इस बंदे के अंदर टैलेंट है, इसको वो खुद आपसे स्पॉन्सरशिप के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं मेल के थ्रू और आपको कहते हैं, और स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे की बात भी वो करते हैं कि आप कितना लेंगे। अगर आप बीच में उनके वीडियो के बारे में बताना चाहें तो उसका क्या पेमेंट होगा, अगर आप डेडिकेटेड वीडियो उनके लिए बना रहे हैं तो उसका क्या पेमेंट होगा, वो सारी चीज़ें आपकी तय हो जाती है। जब आपका चैनल बड़ा हो जाता है, लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं,
लोगों को आपके वीडियो से काफ़ी फायदा होता है, लोग आपसे अच्छे से जुड़ने लगते हैं। तो वहाँ पे जैसे आप कोई चीज़ बताते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है और इसको जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेज करेंगे तो उस पर भी आपको कमीशन मिलता है। इसको हम कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, यानी अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हैं। लोग लाखों में भी अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमाते हैं। तो लॉन्ग वीडियो का काफ़ी बेनिफिट है। अगर आप सोच रहे हैं, आपने इरादा किया है, तो उठाइए और शुरू कर दीजिए वीडियो बनाना, कंटेंट बनाना। बिल्कुल सोचना नहीं है और आपको सारा काम करना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं भाई। इसमें बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। अगर आप सोच में पड़ोगे तो परेशान हो जाओगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, उसके थ्रू ही आप बना सकते हैं। कोई ज़्यादा इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए और एक मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल तो खैर आप कहीं पे भी हैंग करके वीडियो बना सकते हैं। अगर पैसा आपके पास हो तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप ट्राईपॉड भी खरीद सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे आप माइक, ट्राईपॉड जो भी खरीदना चाहते हैं सब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार विजिट करके देखिए और आपका बजट है तो आप खरीद सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये, आप वीडियो बनाइए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आप कमाएंगे। एक जॉब के लिए आप परेशान रहते हैं, जॉब नहीं मिलती है, लेकिन YouTube ऐसा है जो बिल्कुल आप माइंड फ्री होकर काम कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं और बहुत कुछ अर्न किया है, बहुत कुछ बनाया है। आप भी पहुँच सकते हैं, बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपको भी कोई नहीं रोक सकता। मैं एक चीज़ आपको कहता हूं, बड़े लोगों का कहना है तू शाही ने परवाज है, काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी है। यानी तू उड़ता जा, चलता चला जा, रास्ते की कमी नहीं, बस तेरे अंदर उड़ान भरने की हिम्मत होनी चाहिए, रास्ता जो है अपने आप खुलता चला जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, चैनल क्रिएट करिए। कोई भी दिक्कत आए, ये चैनल आपके लिए है। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न है आप उसमें कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। तो चलिए गाइस, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि शॉर्ट वीडियो का क्या बेनिफिट और लॉस है और लॉन्ग वीडियो के क्या बेनिफिट है और किस तरह से उसमें अर्निंग होती है, कितना हम कमा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।